आंसर ऑप्शन नंबर बी झारखंड में इनोग्रेट किया गया भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान कम फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो बिरसा मुंडा और मुंडा ट्राइब थी ये बेसिकली आपको झारखंड वाले रीजन में देखने को मिलेगी उस समय में भी जब ये लोग रिवॉल्व कर रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल राइट तो छोटा नागपुर प्लैटियो रीजन जो है हमारा झारखंड के आसपास का वहां पे आपको ये ट्राइब देखने को मिलेगी सो पीएम मोदी इनॉग्रेटेड भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान कम फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम इन रांची वायर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग झारखंड वाज कार्व्ड आउट ऑफ बिहार ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा इन सेंचुरी फ्रीडम फाइटर एंड ट्रैवल लीडर ऑन नवंबर 15 2013 दैट मींस बिहार से अलग झारखंड हुआ था 15 नवंबर 2000 को ही और 15 नवंबर को ही जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है क्योंकि बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी होती है तो इसी दिन के मौके पर झारखंड स्टेट को भी फॉर्म किया गया था तो वहां के चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन जिन्होंने लॉन्च किया यूनिवर्सल पेंशन स्कीम फॉर वर्नरेबल टू तो मार्क द स्टेट फाउंडेशन डे काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये वर्नरेबल सेक्शन के लिए पेंशन स्कीम भी लॉन्च की गई है हेमंत सोरेन जी के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री सेट टू होस्ट द फर्स्ट ट्रैवल नेशन समिट सिंस द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ट्रैवल नेशन समिट 2016 के बाद से अब लॉन्च करने वाला है प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अनाउंस किया कि क्या स्टेप्स चाहिए टू तो इंप्रूव पब्लिक सेफ्टी एंड जस्टिस फॉर नेटिव अमेरिकन ड्यूरिंग द समिट

Next question हमारा है जो कि है, इन्हें एनरोल किया गया फर्स्ट मेंबर ऑफ NCC सी एल्यूमिनी एसोसिएशन के तौर पर ड्यूरिंग द कलमिनेशन इवेंट ऑफ राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व जो कि झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ 19 नवंबर को अगला क्वेश्चन हमारा है when will water heroes share your stories contest start water heroes share your stories contest स्टार्ट हो रहा है पहला दिसंबर यानी 1st ऑफ दिसंबर से और यहाँ पर नवंबर 30 से 30 2022 तक चलेगा ये यानी कि पूरे एक साल चलने वाला है विनर्स चूज किए जाएंगे हर एक मंथ से और जो भी एंट्रीज रिसीव होंगी उन सभी में से विनर चूज किए जाएंगे और जो भी विनर्स होंगे उन्हें दस हजार रुपए का कैश प्राइज भी दिया जाएगा अब यहाँ पे आपको कुछ ऐसी स्टोरीज बताना है जो कि वाटर सेफ्टी की ओर एक अहम कदम है या आपने कुछ ऐसा किया है जिससे हम वाटर की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है वैन विल एनसीसी एल्यूमिनी एसोसिएशन भी लॉन्च नवम्बर नाइनटीन को लॉन्च किया गया एल्यूमिनी एसोसिएशन ठीक है एनसीसी का वहीं हमने अभी बात की थी कि पीएम मोदी इसके पहले कैंडिडेट बने नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंडिया हैज बीन रीइलेक्टेड टू यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड टिल व्हिच ईयर द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 2025 तक के लिए इंडिया यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए रीइलेक्ट किया गया है यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कल्चरल एंड एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन राइट तो यहां पर आपको देखना है कि यूनेस्को जनरली सोशल एक्टिविटीज एजुकेशनल एक्टिविटीज और कल्चरल एक्टिविटीज पे फोकस करता है चाहे किसी हेरिटेज के संरक्षण की बात हो एजुकेशन को स्प्रेड करने की बात हो सोसाइटी से ऐसी चीजों को दूर करने की बात हो जो कि सोसाइटी के लिए बहुत ही बेकार है या फिर किसी भी तरह के सोशल एक्टिविटीज की बात हो तो यूनेस्को उसे प्रमोट करता है सपोर्ट करता है काफी सारे कैंपेन चलाता है राइट right. तो इंडिया जीत गया है वापस से फोर ईयर के टर्म के लिए 2021 से 25 तक और 164 वोट से इंडिया जीता है Next question हमारा है उत्तर तो प्रदेश फर्स्ट एंटी in काफी ज्यादा पॉल्यूशन को बढ़ते हुए देखते हुए यूपी का पहला एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टॉवर नोएडा में ओपन किया गया 17 नवंबर को ये एंटी एयर पॉल्यूशन टॉवर सेक्टर में लोकेटेड है। टॉवर क्या करेगा एयर पॉल्यूशन को दिल्ली एनसीआर में कम करने की कोशिश करेगा और इसे बनाया गया है भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और नोएडा अथॉरिटी के द्वारा इसे मैनेज किया जाएगा इसमें एफर्ट्स लगाए जाएंगे राइट ताकि एयर को प्यूरिफाई किया जा सके और पॉल्यूशन को कम करने में मदद की जा सके इसके इस टॉवर में आप देखेंगे कि फ्रेश एयर यहां से बाहर निकलेगी और जो खराब एयर है जो पॉल्यूटेड एयर है वो इसके अंदर नीचे से जाएगी और ऊपर से फ्रेश एयर बाहर निकलेगी नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल लाल सलाम व्हिच इज बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट किलिंग्स ऑफ 76 सीआरपीएफ पर्सनल एट दंतेवाड़ा इन अप्रैल 20 क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि 76 सीआरपीएफ पर्सनल को ट्रेजिक किलिंग किया गया था दंतेवाड़ा में कब तो अप्रैल 2010 में ये ट्रेजिडी हुई ये हादसा हुआ और इसके ऊपर एक नॉवल लिखी गई है जिसका नाम है लाल सलाम किसके द्वारा स्मृति ईरानी जी के द्वारा स्मृति ईरानी जो कि यूनियन मिनिस्टर है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तो इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है अगला क्वेश्चन हमारा है पीएम नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनोग्रेटेड द पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इन विच स्टेट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में इनोग्रेट की गई है ठीक है अब इसका नाम है पूर्वांचल तो वैसे भी ये महाराष्ट्र में नहीं हो सकती है राइट गुजरात में भी नहीं हो सकती है ठीक तो पूर्वांचल बेसिकली आप बिहार उत्तर प्रदेश में कंफ्यूज हो सकते हैं तो जिसमें से उत्तर प्रदेश आपका सही आंसर है करवाल खेड़ी सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में इसे इनग्रेट किया गया जो कनेक्ट करेगी लखनऊ को गाजीपुर से याद रखना है ये भी पूछा जा सकता है आपसे लखनऊ को गाजीपुर से कनेक्ट करेगी ये। 341 किलोमीटर लॉन्ग पूर्वांचल एक्सप्रेस है ये और मतलब इसकी जो जर्नी है वो 341 किलोमीटर की रहेगी और एस्टिमेटेड कॉस्ट जो इस पर खर्च की गई है वो है बाइस करोड़ रुपए अगला क्वेश्चन है फिल्म विल बी स्क्रीन एट द इंडियन पैनोरमा सेगमेंट इन दिफ्टी सेकेंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हमेशा गोवा में ही होता है और जो फिल्म स्क्रीन की गई है इंडियन पैनोरमा पैनोरामा सेगमेंट में वो है कुजंगल कुछ दिनों पहले भी हम इसमें बात कर चुके हैं कुजांगल को अवार्ड भी दिया गया था इंडियाज ऑफिशियल एंट्री इस फिल्म के थ्रू मिली थी अकेडमी अवार्ड फॉर ऑस्कर के लिए राइट right? तो ये नॉमिनेट की गई थी एकेडमी अवॉर्ड फॉर ऑस्कर के लिए भी और तमिल फिल्म है ये कुजांगल जिसका मतलब होता है पैबल्स राइट right? तो इसे इंडियन पैनोरमा सेगमेंट में भी स्क्रीन किया जाएगा फिफ्टी सेकेंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ गोवा के अंतर्गत अगला क्वेश्चन हमारा है पीएम मोदी हैज इनग्रेटेडी सेकेंड ऑल इंडिया प्रोसीडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस इन ए आई पीओसी कॉन्फ्रेंस शिमला में इनग्रेट की गई राइट पीएम मोदी के द्वारा सेवेंथ टाइम ये गई है इटी सेकेंड ऑल इंडिया प्रेसीडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस इन शिमला सबसे पहली बार यह की गई थी 1921 में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर द डिस्टरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया ये बुक किसने लिखी है ये लिखी है देबाशीष मुखर्जी ने दिवाशीष मुखर्जी ने ये बुक लिखी है जिसका टाइटल है द डिस्ट्रप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह पार्टिसिपेशन इन एनर्जी सेक्टर द आंसर इज वर्ल्ड बैंक और एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक इन दोनों ने मिलकर इंडिया स्मार्ट ग्रेड फोरम के साथ इसे ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम है वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम ये एक पैनल डिस्कशन है जॉब अपॉर्चुनिटीज को एक्सपांड करने के लिए विमेंस के लिए इन इंडिया क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन ये इमेज ऊपर लग गया है ये नीचे वाले क्वेश्चन का इमेज है आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन है इंडिया फर्स्ट ग्रास कंजर्वेटरी और जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन सेंटर कहाँ इनग्रेट किया गया इसे इनॉग्रेट किया गया है उत्तराखंड में याद रखना है आपको उत्तराखंड में इनग्रेट किया गया है और इमेज यहां पे आप देख सकते हैं so this is all for today thank you so much guys and stay connected with Ajan Arjun